अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हूँ मैं। आप सब लोगों को वेलकम कहता हूँ हमारी ऑफिशियल चैनल पर। और आज हम ऑटोकैड में 2D प्लान बनाएंगे, ठीक है? 2D प्लान किस तरह बनाएंगे, ठीक है? उसके लिए जब ऑटोकैड हमारे साथ खुल जाए तो उसमें पहले हमने यूनिट सेटिंग करनी है। आपने पहले ये सोचना है कि मैंने ये जो ड्राइंग बनाना है ये फुट में बनाना है या मीटर में बनाना है, ठीक है? जो भी आपने यूनिट रखना है, ठीक है? मैंने अभी ज़्यादातर बिल्डिंग पाकिस्तान में हूँ या एनी हूँ, पाकिस्तान से बाहर हो, ज़्यादातर बिल्डिंग का जो मेजरमेंट है वो फिट्स में करते हैं, ठीक है? तो आपने ऑटोकैड में फिट्स के लिए पहले सेटिंग करना है, उसके बाद आपने आगे जाना है, ठीक है? जब आप फिट्स का सेटिंग कर लोगी तो उसके लिए किस तरह सेटिंग करेंगे? पहले ऑप्शन तो ये है कि परमिट मेन्यू में आओ और इधर हमारे साथ यूनिट्स है, ठीक है? पहले ऑप्शन ये है तो आपके साथ ड्राइंग यूनिट्स खुल जाएगा, ये है। और शॉर्टकट के साथ UN एंटर कर दो तो ये आपके साथ आ जाएगा, ठीक है? तो अभी इधर हमारे साथ लेंथ, लेंथ में पहले हमारे साथ है टाइप, आपने कौन सा टाइप लेना है। अगर आपने मीटर में काम करना है तो डेसिमल यूटी के, ठीक है? अगर आपने पीट्स में काम करना है तो आप आर्किटेक्चरल भी ले सकते हो और इंजीनियरिंग भी ले सकते हो, ठीक है? मैं आर्किटेक्चरल ही लेता हूँ। अगर इंजीनियरिंग लिया आर्किटेक्चरल लिया दोनों सेम ही है, ठीक है? नीचे दोनों आपने इधर प्रिसिशन में आपने इधर अभी सपोज करना है, ठीक है? आपके साथ एक फुट में कितने इंच होते हैं, ठीक है? एक फुट में हमारे साथ 12 इंच होते हैं और एक इंच में हमारे साथ 8 सूत्र होते हैं, ठीक है? तो इस तरह मैं कर लूंगा, इसमें 1/8 इंच ये ले लूंगा, ठीक है? ये क्यों मैं लेता हूँ? ये इसलिए लेता हूँ कि हमारे साथ जब उधर मेजरमेंट शो होगा तो उस मेजरमेंट का आठवा हिस्सा यानी 8 सूत्र का जो मेजरमेंट है वो भी हमारे साथ शो हो जाए, ठीक है? अगर आपने इस तरह करना है कि यार मेरे साथ इंच के बाद कोई दूसरा वैल्यू शो ना हो तो आप 0 फुट और 0 इंच ले लें, ठीक है? तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे साथ 0 फुट 0 एंड 1/8 सूत्र ये जो है ना ये मैं ले लूंगा तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है? इसमें हमारे साथ एग्जैक्टली जो मेजरमेंट है जो पैमाइश है वो आएगा, ठीक है? तो 1/8 मैं ले लेता हूँ, ठीक है? इधर हमारे साथ डेसिमल डिग्रीज है, डेसिमल डिग्रीज ने आपने यही ऑप्शन आपने इधर ही लेना है, ठीक है? अगर डिग्री मिनट सेकंड या ये रेडियस हो या सर्वेयर यूनिट ये दूसरे ऑप्शन है, ये पर लंबा चौड़ा किस्सा हो जाएगा। फिलहाल आपने डेसिमल डिग्रीज इसमें लेना है। प्रिसिशन में आपने इशारे के बाद कितने वर्ड्स आपको नजर आना चाहिए, 0.00, ठीक है? ये मैं ले लूंगा। अभी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर चेक लगा दिया तो क्लॉकवाइज चलेगा, ये चेक नहीं लगाया तो एंटी क्लॉकवाइज। आपका ये डायरेक्शन है, ये एक इस पर चैनल में वीडियो भी मौजूद है, ये अपना अलग एक टॉपिक है, ठीक है? अभी इंसर्शन स्केल में यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट, ठीक है? अभी इधर हमारे साथ आप इंचेस ले लो या फिट्स ले लो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है? तो ये मैं ले लूंगा, अभी ओके कर दूंगा। अभी आपने, ठीक है, जब वो ऑप्शन ले लिया तो फॉर्मेट में आपने डायमेंशन स्टाइल, ठीक है, इधर भी सेटिंग करना है, डी इंटर कर दो, डायमेंशन स्टाइल पे मॉडिफाई पे जाओ, इधर हमारे साथ यूनिट्स आएगा, इधर भी आपने आर्किटेक्चर लेना है और 1/8 इधर भी लेना है, ठीक है? तो ये तो हमारे साथ ये हो गया, ओके हो गया, सेट करंट हो गया और क्लोज हो गया। अभी हमारे साथ एक प्लाट है, उसका जो मेजरमेंट है उसका पैमाइश है 30 फुट उसका चौड़ाई है और 50 फुट उसका लंबाई है, तो उसमें हम 2D प्लान डिजाइन करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, REC एंटर कर लो, ठीक है? क्लिक ऑन द स्क्रीन, डी फॉर डायमेंशन 30 फुट एंटर और 50 फुट एंटर, ये हमारे साथ 30/50 फुट आ गया, ठीक है? ये अभी हमारे साथ ये UCS आइकन यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये जो हमारे साथ इधर है, मैं कहता हूँ कि ये हमारे साथ इस आइकन ये इधर ओरिजिन में हो, ठीक है? तो इधर आपने व्यू में जाना है, डिस्प्ले आइकन, UCS आइकन पे जाना है, इधर
ओरिजिन पे रखना है, तो ये इधर ओरिजिन से पर हिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ ये पेमाइश आ गया है। अभी अपसेट में ले लेता हूँ, मैं 9 इंच अपसेट ले लेता हूँ। अगर आपने वैल्यू इसमें एंटर करना है, मैं आपको ये एक बता दूँ, एक बड़ा इंफॉर्मेशन, जब आपने इधर इंच लेना है, ठीक है, तो इंच के लिए बस पर ऑफसेट ले लो और इंच 9 इंच हो, जो भी वैल्यू आपने देना है डायरेक्ट एंटर कर लो। अगर आपने एक वैल्यू इसमें फीट में देना है तो एंटर के करीब लेफ्ट साइड पर एक सेमी कॉलन और ये वाला ऑप्शन मौजूद है, ये पुट वाला और इंच वाले जो निशान है ये मौजूद है, तो आपने इधर प्रेस करना है। अभी मैंने ओ एंटर करना है, 9 इंच मैंने इससे ऑफसेट लेना है, ये हमारे साथ आउटर दीवार हो गया है, ठीक है। तो ये तो दीवार हो गया है। अभी ये हमारे साथ एक बॉक्स टाइप है, एक रेक्टेंगल टाइप है। मैं कहता हूँ कि यार मेरे साथ ये लाइन है, मैं एक साइड से एक ऑफसेट लेना चाहता हूँ, एक साइड से एक पेमाइश लेना चाहता हूँ। तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफसेट एंटर कर दूं और इधर मैं 15 फिट दे दूं, 15 फिट और मैं इससे ऑफसेट ले लूंगा, तो ये तो हमारे साथ अंदर या बाहर जो ऑफसेट लेना है तो ये सारा घर से लेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे साथ जो पेमाइश है वो एक साइड से ले लूं मैं, तो इसको सेलेक्ट करो, एक एक्स एंटर कर लो, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड आपके साथ इधर मॉडिफाई में भी आ जाए, सबसे आखिर में इधर भी मौजूद है, इधर हमारे साथ टूल्स वाला जो ऑप्शन है मॉडिफाई वाला इस इधर भी है, और आप एक्स को एंटर करके इसको एक्सप्लोड कर सकते हो। अभी ये हमारे साथ एक एक सेलेक्ट होगा, ठीक है। अभी मैंने इस तरह करना है कि दो कमरे, एक कमरा इस साइड से रखना है, एक कमरा इस साइड से रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कमरे का जो वो 12 फुट इस साइड से लेना है, ठीक है, 12 फुट इस साइड से लेना है, ऑफसेट इसका 9 इंच में ये दीवार रख लूंगा। इधर हमारे साथ ये जो बचेगा, मैं ये डायमेंशन DIMSCALE स्केल को आपने प्रेस करना है। इधर हमारे साथ एंटर न्यू वैल्यू पर डाइम स्केल, इधर हमारे साथ ये जो वैल्यू है वो 1 इंच है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे साथ 5 फीट हो या जितना भी आपने करना है, डायमेंशन में जाओ और अपडेट को क्लिक करके ये हमारे साथ 3 फुट बचता है, तो 3 फुट तो ये हमारे साथ इधर स्टेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अभी इधर 15 फीट में ये लेता हूँ कमरा इस साइड से, ये 9 इंच इससे फिर मैं अपसेट ले लूंगा, ठीक है। ये हमारे साथ ये कमरा हो जाएगा। बीच में हम इस तरह कर लेंगे, मैं हम इसको फिर डिवाइड कर देंगे या इस तरह कर लेंगे कि एक बिग ऑप्शन इसमें इस तरह आ जाए। अगर हमारे साथ तो निकासी का अमल इस घर के बैक साइड पर हो तो हम इस तरह कर लेंगे, एक 5 फुट या 4 फुट ये जगह छोड़ देंगे। 4 फुट मैंने इधर से अपसेट ले लिया है, ये मैंने 9 इंच इधर से अपसेट ले लिया है, और इस घर को मैं इधर से मूव कर दूंगा, ठीक है, इधर से लेकर इधर तक की मैं मूव कर दूंगा। तो ये हमारे साथ इसमें अटैच दो बाथरूम्स आ जाएंगे, ठीक है, और ये दो रूम्स आ जाएंगे। इधर हमारे साथ तो ये स्टेयर्स आ जाएंगे, ये ओपन खुला होगा, ठीक है, 3 इंच में। अभी इधर मैंने एक हॉल छोड़ना है, फॉर एग्जांपल हॉल का जो है मैंने 15 फुट, इस हॉल को भी छोड़ना है 9 इंच में, इससे अपसेट ले लेता हूँ। इसमें दरवाजे वगैरह सब चीज़ें पर इंशाल्लाह हम बनाएंगे। अभी मैंने हाल खुला छोड़ दिया है, अभी इधर भी एक कमरा होना चाहिए, या इस तरह कर लेंगे, एक इस हाल के इस कोने में हम किचन दे देंगे, ठीक है। हाल से जब बाहर निकलोगे तो किचन ये बाहर जगह पर तकरीबन सेफ होगा, ठीक है। इधर मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, एक 2 फुट का मैं
इधर खुला छोड़ देता हूँ, फिर इससे 9 इंच ऑफसेट ले लेता हूँ और ये मेरे साथ डायमेंशन ये किचन का कितना आ जाएगा, ये 9.6 इंच आ जाएगा। ये बहुत बड़ा किचन है, इसका जो चौड़ाई है ए में 8 फुट रख लूंगा। ठीक है, इधर मैं ये दीवार का ऑफसेट ले लूंगा। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों की सिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों ने जो भी ड्राइंग वगैरह जो भी डिजाइन देना है आपने फिर खुद डिसाइड करना है कि किस तरह मैंने एक घर का डिजाइन बनाना है। ठीक है, अभी ये सारा जो हमने लिख दिया है इसमें हम ट्रेमिंग करेंगे। ठीक है, कि हमने इधर किस तरह ये कोनों को ट्रिम करना है, TR डबल एंटर कर दे है और इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो। ये इंशाल्लाह हमारा 2-3 क्लासेस में हम 2D प्लान पर लेंगे आप, ताकि आप लोगों का जो भी इशू हो वो सारा हल हो जाए। ठीक है ना, ये तो हमारे साथ खुली जगह है। अच्छा, ये मैं ट्रिम करता हूँ इधर से भी, ये वाला कोना भी ट्रिम कर दो, ये वाला कोना भी ट्रिम कर दो और इसमें हम दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह ये सब कुछ चीजें लगाएंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 4-5 प्लान जो है वो डिस्कस करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हमने ये प्लान वगैरह बनाने हैं। ठीक है, अभी मैं डी एंटर करके इधर मॉडिफाई में जाता हूँ, इधर टेक्स पे जाता हूँ। टेक्स में हमारे साथ ये स्टैंडर्ड टेक्स स्टाइल है, इस पर ये 3 जो डॉट्स है इस पर क्लिक करूंगा। इधर मैं टेक्स का जो हमारे साथ टाइम न्यू रोमन भी इस्तेमाल होता है, ये हो गया। अभी रेगुलर या बोल्ट रेगुलर ही, ठीक है। ठीक है, मैं इधर से ये इसको अप्लाई कर लेता हूँ। इधर हमारे सैम्पल्स है, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो फर्स्ट और सेकंड ये ओब्लिक में ही ले लूंगा। ठीक है, और लीडर हमारे साथ इसी तरह होगा। ओके में ले लूंगा, सेट करंट और क्लोज ले लूंगा। अभी इधर मैंने डायमेंशन में जाना है और ये लाइनर मैंने ले लिया है। इधर हमारे साथ ये 30 फुट आ गया है, इधर हमारे साथ ये जो आ गया है ये 50 फुट आ गया है। ठीक है, अभी इसको मैंने डायमेंशन तो दे दिया है, अभी इधर भी ये रूम्स में मैं आप लोगों की को सिखाने के लिए डायमेंशन इधर भी मेंशन कर लेता हूँ, इधर भी मेंशन कर लेता हूँ। अभी इंशाल्लाह हम ये 3-4 क्लासेस में ये 2D डिज़ाइन सारा करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो माइंड सेटअप है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि 2D डिज़ाइन मैंने किस तरह करना है। तो उस 2D डिज़ाइन के लिए आप लोगों ने बिल्कुल हु प्रैक्टिस करना है। आप लोग अपनी मर्जी के प्लाट्स ले सकते हो और उस प्लाट्स में अपने डिज़ाइनिंग जो भी करना है सारी चीज़ें कर सकते हो। इंशाल्लाह आइडिया मैं भी दूंगा और आप लोगों का भी आइडिया होगा कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल 30x50 फुट का ये जो प्लाट है ये मैं बना रहा हूँ, तो आपने ये नहीं करना कि बस मैं 100% इसी तरह प्लाट बनाऊंगा। ऑटोकैड का माना है ऑटोमेटिक आइडिया डिज़ाइन है, ये आपके जहन में जो आइडिया होगा उस पर डिपेंड करेगा कि मैंने किस तरह प्लाट बनाना है, किस तरह डायमेंशन बनाना है, किस तरह एरिया निकालना है, जो भी है आपने इंशाल्लाह करना है। तो मैं कहता हूँ कि आज का जो क्लास है इस पर ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लेंथी हो जाता है, फिर बंदा बोर भी हो जाता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए नई नई आइडियाज़, नई नई प्लाट्स, नई नई डायमेंशन लेकर आएंगे और आप हमें कमेंट भी बता सकते हैं कि यार इस तरह प्लाट है, इस तरह प्लाट डिजाइन कर लो, इसमें इतना कमरा डालो, इसमें इतना वॉशरूम्स आएंगे, अटैच बाथरूम आएंगे, हॉल आएगा, गाड़ी के लिए जगह आएगा, स्टेयर्स आएंगे, फर्स्ट फ्लोर आएगा, सेकंड फ्लोर आएगा, जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आज तक हमारा ये जो क्लास था ये इंशाल्लाह अभी मैं आपके सामने ही इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर और इधर मैं इसका नाम दे दूंगा 2D फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम सेकंड क्लास लेंगे तो इसी मैप को हम ओपन करके आगे जाएंगे। थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।